आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। मंदसौर नगर पालिका एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही में नगर के फुटपाथ पर घुमटियां लगाकर व्यवसाय करने वाले गरीबों की घुमटियां हटाकर नष्ट किया गया, जिसके विरोध में सभी दुकानदार काली पट्टी बांध कर प्रशासन का विरोध जताते हुए पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया गया, जिसमें बेरोजगार दुकानदारों अपना व्यवसाय पुनः स्थापित करने की मांग गई। नगर पालिका स्विता प्रधान का कहना है कि इन घुमटियों की आड़ में रसूखदार अवैध कब्जा कर किसी न किसी को घुमटिया किराए से देकर शासकीय जमीन फुटपाथ व नालों पर कब्जा करना चाहते हैं। साथ ही आपराधिक गतिविधियां भी संचालित की जा रही थी, साथ ही आगे भी अतिक्रमण ऑपरेशन सफाया मुहिम जारी। रखी है कितने घुमटियां आपने अभी तक खत्म करी है, कितना और अभी टारगेट बचा हुआ है? आप देख रहे होंगे मंदसौर शहर में लगातार जो है फुटपाथों पे और नालियों के ऊपर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है और घुमटियों का संचालन कर रहे हैं। किसी तरह की एनओसी उनके पास नहीं है, हमने डॉक्यूमेंट उनकी देखी हुई है और क्योंकि ये पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन नगर पालिका के सम्मिलित प्रयास है, जिसमें कुछ अपराधिक गतिविधि सम्मिलित है, ऐसे लोगों को हमने चिन्हित किया जो अतिक्रमण कर रहे हैं, सार्वजनिक जगह को घेर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। साथ ही पुलिस ने भी ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तो ये सम्मिलित प्रयास से ऐसे लोगों को हटाया जा रहा है। कई घुमटियां जो नगर पालिका ने आवंटित की हुई है उनको भी तोड़ा जा रहा है। देखिए, चार घुमटियां श्रीकोट चौराहे में नगर पालिका द्वारा आवंटित, उनकी अवधि 96 में खत्म हो चुकी थी, उसके बाद उनका कुछ रिन्यूअल नहीं हुआ। हमने उन्हें हटाया, अल्टीमेटम दिया है कि वो हटा लें स्वयं, और जितनी भी घुमटियां हटाई गई किसी तरह किराया ना। भाजपा के जो नेता है मदन लाल राठौर, उन्होंने अभी कहा कि जवानी दो दिन की है फिर ढल जाएगी। मैं इस तरह के सवालों के बारे में
प्रशासनिक तौर पर कहने के प्रशासन के ऊपर जो राजनीतिक दल है कहीं ना कहीं हावी होते नजर आ रहे हैं, उनके प्रशासनिक बाधा जो पैदा कर रहे हैं आपके काम में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रतिनिधिगण अपना काम कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आपसे सामंजस्य आ जाए, आपकी कार्रवाई जारी रहेगी। आएंगे बिल्कुल, थैंक यू। जा रहा है लेकिन अब विरोध शुरू हो गया, क्या कहेंगे? आपका कहना कुछ हद तक सही भी है, परंतु इसका मैं पुनः प्रकाश डालना चाहता हूँ कि जो ऑपरेशन चलाया गया है वो एक विशेष प्रयोजन के लिए चलाया गया है, कि इन्हें जो भी है ना आतंकवादी या गैर अवैधानिक गतिविधि में सम्मिलित व्यक्ति है, कृपया करके उनको चिन्हित करें और उनके विरुद्ध कार्रवाई करें प्रथम विषय। दूसरा ये भी देखा गया, अभी ना संवाद के अंदर ये भी निकल के आया था, जो गरीब मासूम है उनको किसी ना प्रभावशाली व्यक्ति ने वहाँ पर घूमती स्टेबिश करके दी है, वो 2 से 3 हज़ार रुपये किराया भी ले रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से शोषण का ये भी तरीका है, अगर उनकी गुमटियाँ हटी तो इनकी नहीं हटी, जिस रसूखदार की गुमटी हटी, एक गुमटी उसकी हटी, ये तो मात्र वहाँ पर किराया देकर रह रहे हैं। तो हो सकता है रसूखदारों ने ना गरीब व्यक्ति को आगे करके ना अपनी पीछे की जो है ना इनकम का जरिया उसको जारी रखने का प्रयत्न किया गया, कृपया इस बात को समझने की तुमको आवश्यकता है। और हम लोग है ना आप लोग से ना निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग को सहयोग दें, जो भी अवैधानिक गतिविधि या आपराधिक गतिविधि में संबंधित व्यक्ति है उनके विरुद्ध हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहेंगे, ताकि ये ना मंसूर भयमुक्त हो पाए, अपराध मुक्त हो पाए। ऑपरेशन सफाया जारी रहेगा? जी, ऑपरेशन सफाया जारी रहेगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। क्या हो रहा है, मतलब तो हमें जो हाँ जो किराया रखा रहे हैं वो ड्रावल जो गर्मी गरीब हो गई है, खाएगा क्या हालत हो रही है उसकी? ये दिल्ली में हुआ ना ऐसा कौन कर दिया आपने? दिल्ली में पुलिस को वकील बढ़ गए, ऑफिस भी नहीं लिया, अरे इधर है।